बिल्कुल देखिए दीपिका जी, 16 नहीं बल्कि 17 उम्मीदवारों को उतारा है। संजय राउत ने एक और ट्वीट किया जिसमें बताया कि मुंबई की कुल 4 लोकसभा सीट पर शिवसेना उद्धव बाला साहब ठाकरे की जो पार्टी है वो अपने 4 उम्मीदवारों को उतारेगी। इसके अलावा जो जानकारी सूत्रों से ये भी मिल रही है कि 5 और सीटों पर अभी शिवसेना अपने उम्मीदवारों को उतार सकते, यानी कुल 22 सीटों पर शिवसेना चुनाव लड़ने को तैयार है। देखिए यहाँ पर एक बात तो साफ तौर पर पता चल चुकी है कि जो प्रकाश आम्बेडकर को लेकर बातचीत चल रही थी, क्या वो महाविकास आघाड़ी में शामिल होंगे, अब उस पर लगता है कि पूर्ण विराम चुका है। कि जिस तरह से 22 सीटों पर जो जानकारी मिल रही है कि सिसरत ने उम्मीदवार उतारे, तो बाकी बचे जो सीटें हैं उस पर कांग्रेस ने उम्मीदवार उतारेगी। देखिए लेकिन यहाँ पर थोड़ी देर बाद देखिए महाराष्ट्र में जो 3 दल है साफ तौर पर महाविकास आघाड़ी जिसमें शिवसेना उद्धव ठाकरे, कांग्रेस हो, एनसीपी हो, इनमें आपसी मतभेद देखना शुरू हो चुका है। देखिए संजय निरुपम जो कांग्रेस के नेता है, लोकसभा सांसद रह चुके, थोड़ी देर बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस करें क्योंकि वो मुंबई की एक सीट पर चुनाव लड़ना चाह रहे थे, लेकिन जिस तरीके से अब उस सीट पर शिवसेना ने अपने उम्मीदवार को उतार दिया तो यानी यहाँ पर कांग्रेस के उम्मीदवार को नहीं उतारा जाएगा। थोड़ी देर बाद अपना पक्ष रखेंगे, लेकिन जिस तरीके से ये उम्मीदवारों के नाम जारी किए गए तो कहीं ना कहीं यहाँ पर देखिए मुंबई अरविंद सावंत जो लगातार 2 बार से सांसद रहे हैं, मौजूदा सांसद उन्हें टिकट दिया, कई ऐसे चेहरे हैं इस बार जिसे उद्धव बाला साहब ठाकरे ने भरोसा जताया और भरोसा जताना होगा क्योंकि जिस तरह से पार्टी टूटी है, सांसद टूटे हैं, 12 मुख्यमंत्री का सिद्धे के खेमे में जाके शामिल हुआ है, तो कहीं ना कहीं नए चेहरे को लाना स्वाभाविक सी बात हो जाती है कि इन्हीं पर भरोसा जता के अपना अलग जो है कदम रखना होगा। तो कुल मिलाकर यहाँ पर देखा जाए तो उद्धव ठाकरे पूरी तरह से तैयार चुके हैं। कुछ ऐसे चेहरे हैं जैसे अनमोल कीर्तिकर जो गजानन कीर्तिकर के बेटे हैं, गजानन कीर्तिकर महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के गुट में है और वहां सांसद उनके बेटे को टिकट दिया है। तो यहाँ पर देखिए अब जिस तरीके से नए चेहरों पर उम्मीद जताना ही भरोसा जताया है उद्धव ठाकरे ने, तो अब देखना होगा कि जब नतीजे आएंगे या चुनाव होंगे तो वोटिंग परसेंटेज किस तरह से होता है, ये देखना सबसे बड़ी दिलचस्प की बात होगी। देखिए यदि हम कांग्रेस की बात करते हैं तो अभी कांग्रेस बहुत साइलेंट नजर आ रही है, क्या वजह नजर आ रही है आपको शुभम? और देखिए बहुत सारे ऐसे विधायक हैं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं, विधायक जो हैं वो अभी भी पाला बदलने की तैयारी में बैठे हैं। कुछ लोगों का अपना अलग गुट है, कुछ लोग टिकट ना मिलने की नाराजगी में बैठे हैं, तो ऐसे में कयास लगा जा रहे हैं अगर टिकट नहीं मिला तो शायद पाला बदल दें और विधानसभा की तैयारी करेंगे। इसी वजह से कांग्रेस भी फूक फूक कर कदम रख रही है, कांग्रेस अपने चुन चुन उम्मीदवारों को उतार रही है। यही वजह है कि कांग्रेस की स्थिति अब तक साफ नहीं हो पाएगी, कांग्रेस कितने सीटों पर चुनाव लड़ेगी, कहाँ का अपने उम्मीदवार उतारेगी, क्योंकि कांग्रेस के अगर प्रदर्शन की बात करें तो 2019 में महाराष्ट्र में सिर्फ 1 लोकसभा सीट जीत कर आए थे। यही वजह है कि कांग्रेस इस वक्त महाविकास आघाड़ी में खुद को सबसे छोटा महसूस कर रही होगी और यही वजह है कि आप सीटें जब आएंगे, जब चुनाव की तारीखों का और समय नजदीक आएगा जिस तरह से, तो कांग्रेस को कहने के अपने उम्मीदवार को उतारना पड़े। लेकिन ये सब तस्वीर साफ हो चुकी है कि फिलहाल जो मुंबई में 6 लोकसभा सीटें थी उसमें 2 ही सीट पर कांग्रेस चुनाव लड़ेगी, बाकी 4 शिवसेना उम्मीदवार उतार चुकी है। तो कहीं ना कहीं कांग्रेस के लिए यहाँ पर भी एक बड़ा झटका है क्योंकि पिछले 2019 चुनाव देखिए संजय राउत इस बीच क्या कुछ कह रहे हैं जरा ये भी